और अमेरिका में अब तक करीब 4.45 करोड़ लोगों को फाइजर या मॉडर्ना के टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है, जबकि 2 करोड़ लोगों को अब तक दूसरी खुराक नहीं मिली है। ऐसे में अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए एक खुराक एक डोज वाली वैक्सीन बनाई है, जो असरदार भी साबित हुई है। कोरोना को लेकर जितनी सजगता पूरी दुनिया ने दिखाई, वैक्सीनेशन को लेकर लोग उतने जागरूक नहीं दिखे। कई देशों में या तो वैक्सीन कम पड़ गई या फिर लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक ही नहीं ली। भारत में भी कई लोगों ने दूसरी खुराक से परहेज किया। ऐसे में अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने एक नई पहल की है जो इन समस्याओं से निजात दिलाएगी। जॉनसन एंड जॉनसन ने एक खुराक वाली वैक्सीन बनाई है जो कोरोना के खिलाफ असरदार है। अमेरिकी नियामकों की समीक्षा में ये वैक्सीन 66% प्रभावी पाई गई है। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA के स्वतंत्र सलाहकार कल यानी शुक्रवार को इस टीके पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके आधार पर इसके उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही अमेरिका को मॉडर्ना और फाइजर के बाद कोरोना की तीसरी वैक्सीन मिल जाएगी। FDA का दावा है कि जॉनसन एंड जॉनसन की खुराक से टीकाकरण में तेजी आएगी और ये उपयोग के लिए सुरक्षित भी है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।